मेरा नाम संतोष कुमार साबले है। मैं मुलताई से निवास करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बैतूल, मध्य प्रदेश से। डेली सुबह 9 बजे खाना खाने के बाद दुकान आना, दुकान पे आके बैठना, दुकान पे सीधा। तो अपना खाने पीने पे उतना ध्यान न होती हुए भूख भी लग रही तो लेकिन नहीं जाना खाना खाने। और उसके बाद में फिर मैं ऐसी दुकान पे बहुत ज़्यादा यानी वर्क पे ज़्यादा ध्यान देने लगा। तो ध्यान देते देते ऐसे ही हुआ 2004 में अचानक क्या हुआ कि थोड़ा सा कुछ थोड़ा गड़बड़ सा लगने लगा। तो डॉक्टर के पास दिखाने गया मैं, तो डॉक्टर के पास बोले शुगर चेक करो। तब जाके पता लगा मुझे 2005 में कि मुझे शुगर हुई। और शुगर होने के बाद में जब वहाँ से फिर मैं डॉक्टर के पास इलाज कराते रहा, अचानक यानी घर पे मेहमान लोग आ रहे थे तो साली का संबंध हो रहा था, तो उसमें नाश्ते के लिए पोहा खाया था। पोहा खाने के बाद मुझे पेट में एकदम गैस गैस लगने लगा। और गैस होने के कारण मैं वहाँ से हल्का से मिसेज को बोला कि पेट में गैस हो रही है, थोड़ा सा पसीना भी आ रहा, कुछ अच्छा यानी भारी भारी लग रहा। मिसेज बोले चलो बोले अपन चलते बोले दिखाने। तो मैं अपने वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल बैतूल में ही चला गया। बैतूल में डॉक्टर के पास जाने के बाद में वहाँ पर जैसे डॉक्टर दिखा तो बोले उन्होंने देखा और बोला कि आपको तो अभी अटैक आ रहा है। बोले वैसे तुरंत 30,000-35,000 जो भी इंजेक्शन जैसा उन्होंने क्या किया, सीधा वहाँ से नागपुर निकल गया। नागपुर निकलने के बाद में फिर वहाँ पर एंजियोग्राफी करवाया। एंजियोग्राफी में मुझे 3 ब्लॉकेज बताए। 3 ब्लॉकेज बताने के बाद में फिर 90, 270, 70 तीन थे ऐसे। तीनों होने के बाद में फिर डॉक्टर ने एडमिट कर लिया था। जाने जो सब पूरा बोले कि अभी आपका एंजियोप्लास्टी करा लो। एंजियोप्लास्टी तो हो नहीं सकती क्योंकि वी आकार में थी। वी आकार में होने के कारण फिर उन्होंने बोला कि आपका बाईपास ही होगा। बोले बाईपास के उन्होंने पैसे बताए, उन्होंने 3 लाख 3.5 लाख रुपये लगे। उनका इतना पैसा तो है नहीं मेरे पास में। अभी एक मोहल्ले में हमारे काकड़े महासाब करके हैं, तो वो आए उनसे मिलने के लिए। तो वो बोले मैं माधवबाग गया था, बोले वहाँ पे ऐसा समय अब बोले 62 साल का हुआ 2011 में, आज उनसे 8-10 साल से वो कंटिन्यू स्वस्थ है बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि जब इतने बुजुर्ग व्यक्ति जब वो अच्छे हो सकते हैं, तो मैंने कहा अपन तो अभी यंग है तो अपन को और जल्दी आराम हो जाएगा। तो मैं वहाँ से लिया सीधा और एलोपैथी की इलाज न करते हुए माधवबाग के लिए वहाँ से निकल पड़ा मैं। माधवबाग यहाँ आने के बाद में यहाँ पर भी उन्होंने सीधा आया तो मुझसे पहले TMT करवाया। TMT में शायद 8-10 किलोमीटर ही चल पाया, ज़्यादा चल नहीं पाया। तो उसके बाद वहाँ से व्हील चेयर पर इन्होंने पैदल भी चलने से मना कर दिया। 3 दिन मुझे एडमिट किया यहाँ पे। 3 दिन में पूरे पंचकर्म करवाए। पंचकर्म करवा के जो इलाज जो पंचकर्म मेरे को भी उत्सुकता थी कि ऐसा क्या होता भाई बिना इसमें। तो पंचकर्म जब देखा उसके बाद मुझे बॉडी को ऐसा लगा कि नहीं यार बहुत हल्का और रिलीफ टाइप लगने लगा। पहले दिन में थोड़ा फर्क, दूसरे दिन में थोड़ा फर्क, तीसरे दिन में और ऐसा 3 दिन में मुझे बहुत कुछ ऐसा लगना कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ और स्वस्थ हो गया ऐसा लगना, चलने लग गया था वैसे। उसके बाद मैं यहाँ से 15 दिन बाद में फिर वापस फिर यहाँ पे आया। फिर और उन्होंने 6 पंचकर्म करे सुबह शाम और मुझे बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि बिल्कुल स्वस्थ और बढ़िया लगा।